हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नाश्ता व्लॉग। बेसिकली इसमें मोस्टली नाश्ते की ही टाइम का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ दिखाऊँगी कि मैंने एक बड़े ही ज़बरदस्त जो है ना, वो क्या कहते हैं, चीज़ ऑमलेट बनाया था, साथ में बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी पराठे बनाए थे और सैंडविच बनाया था। एक बनाया था मैंने चकोर पराठा अजान के लिए, गोल पराठा बनाया था अजान की मम्मा के लिए, और अपने लिए मैंने बनाए थे सैंडविचेस, और सबके साथ मैंने जो है वो एक ही चीज़ ऑमलेट बनाया था। ठीक है जी, तो नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी थी शुरू। अच्छा, मैं बहुत नाश्ते का अहतमाम मुझे करना ना बड़ा पसंद है। नाश्ता मेरे दिन का ना फेवरेट तरीन टाइम होता है, मुझे नाश्ता करने का बड़ा शौक है। और एक टाइम था कि मतलब मुझे नाश्ते से बड़ी चिढ़ होती थी, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैंने नाश्ता जब करना शुरू किया, उसके नाश्ते से मेरी बॉडी में जो चेंजेस आए उनको देख कर फिर मुझे नाश्ते से इतना प्यार हो गया है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते बनाने में, नई रेसिपीज नाश्ते में बनाने में और इन चीज़ों में। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि नाश्ते से मेरे बॉडी में क्या डिफरेंस आया। आई रिमेंबर द टाइम जब मुझे, मैं ना तकरीबन सेकेंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो मेरी ना बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया था। मैं नाश्ता नहीं करती थी, मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं करता था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं थी, लेकिन दिन ब दिन मैं बहुत मोटी होती जा रही थी। मेरा वेट इतना एक्सट्रीम बढ़ता जा रहा था ना कि मेरा वेट 70 प्लस हो गया था। ठीक है, और मुझे, मेरी समझ से बाहर था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जो है ना ये वेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैं कैसे कंट्रोल करूँ। उसके बाद फिर मतलब ये चीज़ें मुझे समझ ना आई और वेट बढ़ता गया। और फिर ना जब मैं चली गई लाहौर डिग्री के लिए, तो फिर मैंने मतलब जब मेरी रूटीन बहुत टफ हो गई, तो मैंने फिर नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाश्ता मैंने इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि फिर मुझे दिन में बाकी दिन खाना खाने का टाइम बड़ा मुश्किल मिलता था, तो इसलिए मैंने नाश्ता करना शुरू किया। जब मैंने नाश्ता करना शुरू किया ना, तो मेरी वो जो सारा दिन एक मुझे थकावट रहती होती थी वो रहना ख़त्म हो गई, मुझे एक फ्रेश फील होना शुरू हो गया, मेरा वेट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो गया। इवन दो वो लोग जो मुझे जानते हैं ना, वो सब मुझसे पूछते थे तुमने किया क्या है, तुम इतनी पतली कैसे होती जा रही हो, तुम डाइटिंग कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। लेकिन मैं अगर बताऊँ ना, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। और नाश्ता भी ये नहीं कि मतलब बस दो निवाले खा लिए, मैं पूरा मतलब अंडा रोटी, अंडा पराठा, सालन के साथ पराठा, चाय पराठा, ऐसे नाश्ते प्रॉपर मैं करती थी। और इसी चीज़ से ही जो है ना वो मेरा वेट लूज़ होना शुरू हुआ था। ये मेरे वेट लूज़ की स्टार्टिंग चीज़ थी नाश्ता। अगर ये नाश्ता जो होता है ना, अगर आपको ये पीरियड्स वगैरह के इशू हो रहे हैं, आपका वेट नहीं गिर रहा, आप बहुत थके थके रहते हैं, तो इन सब चीज़ों की ना बेसिक यही है कि आप नाश्ता करना शुरू करते हैं। नाश्ता ना बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और नाश्ता बहुत फुलफिलिंग करें, मतलब कहते हैं कि अगर आप नाश्ता ऐसे करो जैसे मतलब बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना उससे कम खाओ और रात को सबसे कम खाओ, क्योंकि रात के बाद हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है और वो खाना हज़म होने में का टाइम इतना नहीं होता। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई सारा दिन भूखे रह के रात को भाई दो रोटियां पेट भर के खा के सो जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो सारा सारा दिन भूखे भी रहते हैं और फिर हम पतले नहीं होते। तो यही चीज़ है जो कि ना आप लोगों के पतले ना होने में सबसे बड़ी जड़ है। तो बस इसीलिए मैं फुल फिलिंग सा नाश्ता करती हूँ। मेरी मतलब मुझे ब्रेड ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रोटी ज़्यादा खाऊं, क्योंकि ब्रेड जो है ना वो रोटी की निस्बत ज़्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, और फिर मतलब रूटीन के मुताबिक हमने शाम को खाना तो खाना ही होता है ना, नो मैटर हमें सुबह का खाना हज़म हुआ है या नहीं। तो बस आप लोगों ने भी अब क्या करना है, कोशिश करनी है कि नाश्ता करना शुरू करें। कोशिश नहीं करनी, ये अपने ऊपर लाजिम कर लें, खाया जा रहा है नहीं खाया जा रहा, आपको वॉमिट भी आ रही है ना, फिर भी आपने खाना है। नाश्ता आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करना, ठीक है, देखना फिर आप लोगों के कैसे मसले हल होना शुरू हो जाते। अच्छा जी, नाश्ता करके हो गए थे मैं फ्री, तो ना यहाँ आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ पर ना ये खसखस जो है, उसके बाद ज़ीरा और ये सारी चीज़ें जो है ना ये वॉश की थी, क्योंकि हमारे घर में सारी चीज़ें बाजार से आने के बाद वॉश होके ही यूज होती है। नो मैटर कि आप लोग किसी बड़े मॉल से पैकिंग वाली ला रहे हो या किसी शॉप से खुली वाली ला रहे हो, इन्हें वॉश करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत डस्ट होती है। और ना बारिशों की वजह से धूप तो निकल नहीं रही थी, तो इन्हें सुखाना बड़ा मुश्किल हो गया था, और अगर ये प्रॉपरली सूखे ना तो ये खराब हो जाती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक चारपाई बिछाई
फ़ैन चलाए दो ऊपर, और चला के ना इस तरह पे ना से ना दुपट्टों पे बिछा दिया, और ये एक घंटे के अंदर अंदर सूख गई थी बिल्कुल ठीक से। उसके बाद ना मौसम चेंज होने की वजह से मीरब को भी आजकल बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने ना इसके जो है वो कपड़े वगैरह देख रही थी कि जो इसको कपड़े सारे पड़े हैं ना उनमें से कौन कौन से कपड़े पूरे हैं वो निकाल लूँ, और जो कपड़े छोटे हुए हुए थे ना वो उठा के रख दूँ। तो बस यहाँ पर मीरब की ही सेटिंग्स वगैरह चल रही थी, कुछ इसके पजामे वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, रोम्पर्स वगैरह निकाल लिए हैं, क्योंकि ना बच्चों के लिए ये जो अचानक मौसम चेंज होता है ना ये बहुत बुरा होता है। मीरब को ना बहुत बुरी ठंड लग गई है, तो क्योंकि एक दिन ऐसे ही हुआ कि बस बारिश हुई, अचानक से बारिश हुई और अचानक से उसे ठंड लग गई, हमें पता भी नहीं चला, तो उसकी तबीयत उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो बस इसलिए मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए, उसकी सेटिंग वगैरह की, सारी चीज़ें वगैरह सेट की। साथ में अभी मैं इसके कुछ इनर्स वगैरह लाऊंगी, वो पहनाना शुरू करूंगी, तो क्योंकि इनर्स वगैरह बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी मौसम से पहनाना शुरू कर दें ताकि आके जाके आप डिस्टर्ब ना हो, आपको सर्दी ना, बच्चों को सर्दी ना लगे। तो बस जी आज का यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरी टिप्स पर लाजमी आप लोगों ने नोटिस करना है, नाश्ता करना लाजमी शुरू करना है मुझे। बस नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।